दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि होली का त्यौहार आने वाला है, तो आज हम लोग बनाएंगे होली की स्पेशल रेसिपी पुआ। दोस्तों, अगर आपका पुआ अच्छा नहीं बनता है, अगर आपका पुआ कढ़ाई में डालते ही बिखर जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगी पुआ बनाने का, और बिल्कुल परफेक्ट पुआ आपका बनकर तैयार होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पुआ बनाना। तो पुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को अच्छी तरह छन्नी से छान लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, ये 250 ग्राम मैदा है, इसे अच्छी तरह छन्नी से छान लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी, 1 छोटा कप हम इसमें सूजी डालेंगे। अगर आप इसे मेजरमेंट करें तो ये 50 ग्राम के लगभग सूजी है। सूजी हमें बारीक लेना है, मोटा सूजी नहीं लेना है। और अब हम इसमें पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे। दोस्तों, परफेक्ट पुआ बनाने के लिए बैटर का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी अभी बहुत ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अब हम इसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों से इसी तरह से हम पानी को अच्छे से मैदे और सूजी के साथ में मिक्स करेंगे। एक बार में हमें पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इसका बैटर बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी गाढ़ी है, तो अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा सौंफ, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम के लगभग खोआ और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खोए को अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर देंगे, इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, मैंने इसमें सिर्फ सूखा नारियल डाला है। अच्छी तरह से खोए को मिक्स करेंगे बैटर में और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अगर आप चीनी को मेज़रमेंट करें तो ये 150 ग्राम के लगभग चीनी है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढक देंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी अभी गाढ़ी है। जब इसमें चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि इसमें कितना पानी और ऐड करना है। तो हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हम चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बस 1/2 कप के लगभग हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए पुए के लिए। अब हम पुआ को छानेंगे। पुआ छानने के लिए हम कढ़ाई में रिफाइन ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। रिफाइन ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। मैंने अल्मीनियम का कढ़ाई लिया है, आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब रिफाइन ऑयल को चेक करने के लिए ये गर्म हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा हम इसमें बैटर डालकर चेक करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो मैंने बैटर डाला था वो ऊपर आ गया है तेल में, इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 करछुल बैटर, पुए का बैटर हम इसमें डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल धीरे से हमें रिफाइन ऑयल में बैटर को डालना है और इस तरह से करछी से इसे हम इस तरह से इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे और पुआ जब हम छानेंगे तो फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पे पुआ को नहीं छानेंगे। हाई फ्लेम पे अगर हम पुआ छानेंगे तो ऊपर से जो इसका ऊपर का परत है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, लेकिन पुआ अंदर अच्छे से नहीं पकेगा। इसलिए हम पुए को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही छानेंगे। जब एक पुआ इस तरह से हम पलट देंगे तो अब आप कढ़ाई में 2-3 पुआ, आप जितना पुआ चाहें आप इसमें डालकर एक बार में आप 2-3 पुए को एक साथ में आप फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से पुए को हम पलट पलट कर इसे हम अच्छी तरह से दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। जब हम एक पुआ को पलट देंगे तो हम इसमें दूसरा बैटर भी डाल सकते हैं और इस तरह से आप एक बार में 2-3 पुआ को एक साथ में आप फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से पलट पलट कर मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुआ फ्राई हो चुका है, इतना ही फ्राई करना है हमें पुआ को, इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम पुआ को फ्राई करेंगे।
और इसी तरह से सारे बचे हुए पुए को हम इसी तरह से पका लेंगे। दोस्तों, परफेक्ट पुआ बनाने के लिए बैटर का परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनटों में पुआ बनकर तैयार है। देखा ना दोस्तों आपने, इसे बनाना कितना आसान है। तो एक बार पुआ मेरे तरीके से बना कर देखिए, आपका पुआ भी परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इजी टेस्टी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।